हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज की मज़ेदार रेसिपी है पत्ता गोभी गोश्त का सालन। इसे आप चपाती के साथ या स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करें। यहाँ पर आप प्रेशर कुकर लेंगे और ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल और उसके बाद ऐड करेंगे ऑनियन जो कि अच्छे से बारीक चॉप करके रख लिया था। 2 बड़ी साइज ऑनियन को लिया है और बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनियन को जो है सौटे कर लेंगे 2 मिनट तक ताकि ऑनियन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट में जो स्मेल रहती है उसे अच्छे से जाने तक 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। और 1 मिनट तक कुक करने के बाद इस पॉइंट पर ऐड करेंगे मटन जो कि अच्छे से साफ से धो के रख लिया था। उसमें हमने 250 ग्राम मटन को ऐड किया है या 1/4 kg और इस मटन को जो है करीबन 10 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और इस पॉइंट पर मटन को जो है हमने 10 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद ऐड करेंगे 2 बड़े साइज टमाटर जो कि बारीक कट करके ऐड कर लिया था। और उसके बाद ही बाद ऐड करेंगे कोकोनट पेस्ट 2 छोटी चम्मच ऐड कर लेंगे और इन सभी मसालों को जो है आपस में कंबाइन कर लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे सॉल्ट करीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे या आप टेस्ट अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और यहाँ पर प्रेशर कुकर के लिड को जो है बिना विजिल लगाए ढक देंगे और करीबन 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद तो लिड को जो है हटा देंगे और 5 मिनट के बाद ऐड करेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में हमने आधे पार्ट को लिया है जो कि इस तरह से बारीक कट करके रख लिया था, तो इन सभी को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पर टैग करें या आप कमेंट करके भी फीडबैक बता सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे वाटर 1/4 ग्लास ऐड कर लेंगे। इसी ग्लास को हमने वाटर को यूज़ किया है, तो इन सभी को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैबेज में जो है वाटर कंटेंट बहुत ही रहता है, तो आप देख समझ कर ही वाटर का इस्तेमाल करें यानी कि 1/4 ग्लास ऐड करें। और उसके बाद ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स या धनिया के पत्ते और लिड अच्छे से लगा देंगे यानी कि विजिल लगा देंगे और करीबन 4 विजिल आने तक इसको लो से मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ता गोभी गोश्त का सालन बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे चपाती के साथ सर्व करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी है, तो इसे जो है हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक बिना लिड लगाए यानी कि बिना विजिल लगाए कुक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सालन बनके रेडी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर हम मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक ले स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।